पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्ते। आशा करती हूँ आप सभी ठीक होंगे, मैं भी एकदम मस्त हूँ। करते हैं आज की ब्लॉग की शुरुआत। मेरे ब्लॉग की शुरुआत हो रही है उत्तराखंड की इन खूबसूरत वादियों से, और आज धूप ढंग से नहीं लगी है इसलिए ज़्यादा खूबसूरत भी नहीं लग रही है, लेकिन धूप के टाइम पर तो बहुत चमकती है ये पहाड़ियाँ। और आज का मौसम तो आपने देख लिया होगा कि इस समय धूप ढक रखी है इसलिए नहीं दिखाई दे रही है। अभी तक बहुत ही तेज की धूप लगी हुई थी। मैं बहुत सारे काम करके कंप्लीट कर दिए हैं, थोड़ा रेस्ट करने अपने इधर आ रखी हूँ मैं, और लाइट नहीं थी तो इसलिए मैं ज़्यादा मतलब ब्लॉगिंग नहीं कर पाई, कुछ भी नहीं बता पाई, सॉरी इसके लिए, क्योंकि मैं बहुत कुछ दिखाना चाहती थी आपको और नहीं दिखा पाई, और इसके लिए सॉरी कहूँगी मैं। और आजकल लाइट प्रॉब्लम ही इतनी हो रही है कि मैं कुछ मतलब जो मैं चाहती हूँ ना, जो ब्लॉगिंग करना वो कर नहीं पा रही हूँ, तो बहुत सारा ऐसे मिस हो जा रहा है मुझसे गलती से, और इसके लिए वेरी वेरी सॉरी। और विश करिए प्लीज़ कि हमारे वहाँ लाइट ठीक रहे और मेरा फ़ोन भी ठीक ठाक रहना चाहिए ताकि मैं ब्लॉग दे सकूँ, क्योंकि इसमें भी बहुत सारी प्रॉब्लम हो रही है, फिर भी मैं बना रही हूँ ब्लॉग सारी मुश्किलों को झेलते हुए। और यही उम्मीद से कि आप लोग मेरा पूरा ब्लॉग देखेंगे, इसके लिए ही रात दिन मेहनत रात दिन एक कर रही हूँ। प्लीज़ आप सभी से रिक्वेस्ट है कि पूरा ब्लॉग देखा करिए, इसी के लिए मैं ब्लॉग बना रही हूँ कि काश आप लोगों को पसंद आए और आप पूरा ब्लॉग देख के और फुल वॉच करके वीडियो को लाइक कर दें और सब्सक्राइब कर दें मेरे चैनल को। बहुत ज़्यादा काम करते हैं ना तो थकान भी लग जाती है, और सबके ही साथ ऐसे होता है कि काम ज़्यादा करने पे थकान लग ही जाती है, लेकिन रेस्ट भी करते रहिए ताकि हम अगला काम भी ढंग से कर सके। कोई भी काम करने से पहले थोड़ा रेस्ट करना बहुत ज़रूरी होता है, 5 मिनट ज़्यादा नहीं, या 2 ही मिनट कर लीजिए और फिर दूसरा काम स्टार्ट करिए, इससे ना एनर्जी डबल हो जाती है। बोले तो जैसे कभी कभी थकान महसूस होती है ना तो हम दूसरा काम कर नहीं पाते थकान की वजह से, लेकिन थोड़ी रेस्ट करने से ना एक फिर से न्यू एनर्जी मिल जाती है। हमारे उत्तराखंड में पता है जब भी नया कोई महीना शुरू होता है ना तो कुछ ना कुछ त्यौहार मनाया जाता है। क्या आपके इधर भी ऐसा होता है? अगर आप दूसरे राज्य से हो तो ज़रूर बताना कि आपके इधर ऐसा होता है कि नहीं, कि जब भी दूसरा त्यौहार स्टार्ट मतलब दूसरा महीना शुरू होता है तो कोई ना कोई त्यौहार मनाया जाता है। और जैसे हमारे वहाँ बसंत ऋतु होती है ना तो उस समय एक फूल दही चम्मा दही वाला एक त्यौहार होता है ना, जैसे छोटे बच्चे दूसरे घर में जाके और वहाँ से सबसे चावल मांग के आते हैं घर में और पूजा करते हैं, पकवान बनाते हैं उस दिन, खिलाते हैं, और ऐसा होता है। हमारे इधर एक ये त्यौहार भी बहुत प्रसिद्ध है, और भी बहुत सारे हैं, और कुछ त्यौहार तो सभी जगह प्रसिद्ध है, वो महीने के हिसाब से नहीं आते, वो तो मतलब कोई रीति थी पहले की। जैसे दिवाली होती है जब रामचंद्र जी वनवास घर आए थे, और होली जब होलिका दहन हुआ था, यानी कि ये तो सब जगह होता है, लेकिन कुछ त्यौहार ऐसे हैं जो केवल उत्तराखंड में ही मनाए जाते हैं, और कुछ कुछ त्यौहार ऐसे होंगे जो उत्तराखंड में नहीं मनाए जाते होंगे, दूसरे राज्यों में मनाए जाते होंगे। जैसे छठ पूजा जो है उत्तराखंड में नहीं होती है, लेकिन अब लोग मानने लगे हैं। कल ना मौसम के हिसाब से बताया नहीं जा सकता है कि कैसा मौसम है हमारे इधर, कभी गर्मी तो कभी सर्दी, ऐसे तो सभी जगह हो रहा होगा पक्का। यहाँ ना जैसे आजकल गर्मी का मौसम है लेकिन लग क्या रहा है बरसात का मौसम टाइप का लग रहा है, तो ऐसे ही चल रहा है कि गर्मी के टाइम पे बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है और बारिश के टाइम पे गर्मी हो रही है, कुछ समझ नहीं आ रहा है मौसम कैसा हो रहा है। ये सब मानसून की वजह से होता है, और मानसून कभी कभी किस तरफ ज़्यादा हो जाता है किस तरफ कम, उस हिसाब से मौसम बदलने लगता है। हमारे उत्तराखंड में जब ना कोई फसल पक के तैयार होती है तो उसको भी चढ़ाया जाता है। हमारे गांव में प्रमुख देवता यानी कि कुल देवता है, 5 पांडवों को माना जाता है, और भूमियाल देवता होते हैं, एक भूमियाल देवता उनको कहते हैं जो भूमि के रक्षक होते हैं। जब धान की फसल पक के तैयार होती है तो हमारे वहां चूड़ा बनाया जाता है, चूड़ा जैसे हिंदी में जिसे पोहा कहते हैं, गढ़वाली में उसे चूड़ा कहा जाता है, और उसकी प्रोसेस तो आपको पता ही होगी, लेकिन किसी किसी को पता नहीं होगी कि उसको जैसे भिगाया जाता है चावल को, यानी कि जो धान होता है उसे भिगाया जाता है इस भगोने में,
एक बर्तन में भिगाया जाता है उसमें 2-3 दिन के लिए, और जब तक वो कोमल ना हो जाए, जैसे दाल को भिगाने डालते हैं ना तो कोमल हो जाता है, वैसे ही उसको भिगा के कोमल किया जाता है। उसके बाद उसे भुना जाता है तवे में, आग में, आग के ऊपर आधा मतलब 15 मिनट के लिए भुना जाता है। उसके बाद उसमें से वो फूटने लगते हैं अंदर से और एकदम से निकलने लगते हैं, उसमें बतासे टाइप की निकलते हैं और छील बतासे होते हैं ना जैसे, वैसे सफ़ेद सफ़ेद निकलने लगते हैं, फूटने लगते हैं अंदर से, और जैसे पॉपकॉर्न होता है वैसे ही कह रही थी सर। और उसके बाद उनको दो महिलाएं कूट के, आपको कूट के उसके बाद चूड़ा तैयार होता है, और दो प्रकार के होते हैं, एक को भून के दूसरे दिन ठंडा करके कूटा जाता है, वो तो चावल की तरह होता है सर, लेकिन एक को हम उसी समय कूटते हैं उसको चूड़ा कहा जाता है। जब बनेगा मतलब जब बन के तैयार होगा तब बताऊँगी मैं कैसे बनता है वो हमारे इधर। हमारे उत्तराखंड में जब कोई भी नया महीना स्टार्ट होता है तो उसे एक त्यौहार के रूप में मनाया जाता है। जैसे कोई भी त्यौहार हो उसकी फर्स्ट दिन पूजा होती है और देवताओं को पकवान चढ़ाए जाते हैं, एक बहुत ही बड़े उत्सव की तरह मनाया जाता है। क्या आपके इधर भी होता है? हमारे राज्य से जो बाहर के लोग हैं वो ज़रूर कमेंट में बताएं कि आपके इधर भी ऐसा होता है जैसे हमारे उत्तराखंड में होता है। हर महीने मतलब जो भी नया महीना स्टार्ट होता है कोई ना कोई त्यौहार आता ही है। हमारे इधर ना जैसे शादी होती है ना तो मिल बांट के सारा काम कर देते हैं, किसी की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है बाहर की, यानी कि कभी कभी ना काम ज़्यादा हो जाता है तो लेबर लगाते हैं, वैसे आजकल ऐसे होने लगा है, लेकिन हमारे वहाँ ज़्यादातर ऐसा ही होता है, गांव में मिल बांट के खाना बनाया जाता है। जैसे कोई किसी के घर में शादी होती है तो महिलाएं मिल के रोटियाँ बनाती है, मिल के सब यानी कि सब्जी रोटी सब कुछ अपने हाथ से ही तैयार करती है, सभी मिल के यानी कि एक परिवार के जैसे सभी के लिए खाना बनाते हैं, और लास्ट में बर्तन धोने के लिए सभी एक साथ मिल के धोते हैं, और यानी कि सभी काम को मिलजुट के किया जाता है। हमारे उत्तराखंड में पता है जब किसी के घर में हम कुछ मांगने जाते हैं बोले तो कभी कभी अपनापन समझ के कुछ ना कुछ मांगते हैं। गांव में हर किसी चीज़ को देने के बाद पैसे नहीं मांगे जाते हैं, यानी कि फ्री में दे देते हैं, बहुत अच्छा लगता है। जैसे किसी के घर में फलों के पेड़ है, जैसे मान लीजिए किसी के घर में अमरूद के पेड़ है, आम के पेड़ है, और कोई उनके घर में जाता है आम या अमरूद मांगने के लिए, तो मतलब 1 किलो फ्री में दे देते हैं, 1-2 किलो, बहुत ही अच्छा लगता है। और यानी कि एक के घर में फल के पेड़ होंगे ना तो पूरा गाँव का पेट ही भर जाएगा, इतना अच्छे से मतलब सभी लोग मिलजुल के खा लेते हैं, देते हैं एक दूसरे को, और अपना भी देते हैं दूसरे का भी लेते हैं, बहुत अच्छा लगता है। देना भी चाहिए लेना भी चाहिए, ऐसे की ही तो प्रेम बढ़ता है, यानी कि बहुत ही हंसी खुशी से रहा जाता है। आज का व्लॉग यहीं पे एंड करती हूँ। अगर आपको अच्छा लगा हो, कुछ बातें मेरी अच्छी लगी हो, आपको क्या क्या अच्छा लगा कमेंट में ज़रूर बताना, और फिर मिलती हूँ एक नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक अपना ख्याल रखिए, हमेशा मुस्कुराते रहिए। धन्यवाद।